हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देविका। तो आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है, ये है हिना खान का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड इस तरीके से ये कुछ टर्न आउट हुआ है। अगर आपको आज का ये इंस्पायर्ड लुक अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड या सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ टोनर। ये रोज़ ग्लो टोनर है, बहुत ही अच्छा है, फेस पे अच्छा ग्लो देता है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया था मॉइस्चराइज़र। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पर्पल का प्राइमर। तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, बहुत अच्छा प्राइमर है, ब्लर इफेक्ट देता है, पोर को फिल इन कर देता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार कॉस्मेटिक का ये ऑरेंज कलर करेक्टर, ताकि मेरे जो डार्क स्पॉट्स है और डार्क सर्कल्स है उसे वो कलर करेक्ट कर दे। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैंने मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है, एंड ये ट्यूब में आता है, ट्रेवल फ्रेंडली है, एंड ये थोड़ा बहुत लिक्विडी टाइप फाउंडेशन है। तो इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए अपने फेस पे। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग एसाबेला का ये कंसीलर इन द शेड 04, एंड इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने परचेस लिंक भी दिया है। एंड या इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से, तो मैं फिंगर के हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर। जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ मैं बेक कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBay का ये पेंसिल, आईब्रो पेंसिल है ये, एंड बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है गाइस, इन द ब्राउन शेड है ये, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। purple.com में अच्छा सा डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये लाइक अंडर 100 रुपीज़ ही मिल जाएगी, या कहीं अंडर 80 रुपीज़। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी प्राइस। बहुत ही अच्छा है ये, एंड बहुत जल्दी से हो भी जाता है। देन स्पूली की हेल्प से अच्छे से कोम कर लूँगी। एंड मेकअप रेवोल्यूशन का ये मैं ब्लश, स्पाइस एंड ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर आई शेडो। तो मैंने उसमें से पिंक शेड लिया था, मैट शेड है, उसे मैं क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, एंड आई लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का सा। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सब। देन मैं ये पिंक हाईलाइटर ले रही हूँ, एंड मैं अपने सेंटर ऑफ आईज पे उसे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक अच्छा आई लुक क्रिएट हो जाए। तो सब ब्लेंड कर दिया अच्छे से, एंड जो भी मैंने बेक किया था एक्सेस पाउडर था उसे मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। देन मैं मिस रोज़ का ये कॉन्ट्रो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है, एंड मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूँगी, जॉ लाइंस, फोरहेड, देन मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्ट्रो कर लूँगी। देन उसी पैलेट में से ये ब्लश शेड लेके मैं अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। देन आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ ये मीनाओ का स्केच आईलाइनर, काफ़ी अच्छा है ये, ये भी अंडर 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो मैं विंग क्रिएट करूँगी। तो हिना खान ने उनकी पिक अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने इस तरीके से डबल आईलाइनर विंग अप्लाई किया है, तो मैंने सेकंड भी क्रिएट कर लिया है। देन मैं पर्पल का काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा काजल है गाइस, वन स्ट्रोक में इतना अच्छा है ये, लाइक आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है ये। नेक्स्ट मैं वही स्केच आईलाइनर जो था पेन, वो लेकर अपने आईज पे लो लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैंने विंग भी क्रिएट कर लिया है। देन फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मेबलिन कॉलोसल मस्कारा। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये शाई स्टाइल का लिक्विड मैट लिपस्टिक है ये, एंड इन द शेड यो बेब्स। तो मुझे ये लिपस्टिक काफ़ी डार्क लगने लगी थी, तो मैंने लिक्विड जो फाउंडेशन था वही लेके हल्का हल्का सा अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है, तो ये लाइटर शेड में हो गया। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप घाई में हो और लिपस्टिक डार्क लग रही है, तो इस तरीके से आप लाइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आखिर में मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने NYBay का ये सेटिंग स्प्रे लिया है। तो आज मैंने काफ़ी न्यू प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि अंडर 100 रुपीज़ थे, काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप था ये जो मैंने क्रिएट किया है। तो मैं अपने ड्रेस वेयर करके आती हूँ, तो चलिए देखते हैं ये कैसे टर्न आउट। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। इस तरीके से कुछ टर्न आउट हुआ है एंड मुझे फुल ड्रेस मैचिंग तो नहीं मिला, बट या थोड़ा बहुत था मैचिंग, तो मैंने यही वेयर कर लिया। आई होप आपको आज का ये हिना खान इंस्पायर्ड लुक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट भी कर देना। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।